नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube के इंटरनेट वाला पढ़ाई ऑनलाइन स्कूल में। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है 40 फलों में 20% आम, 40% सेब है, तो अनार कितने प्रतिशत है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ जो 40 फल है ये अपने आप में 100% है। तो 100 में से 20% आम है, 40% सेब है, तो 20 और 40 कितना हो गया, 60%। जो भी बचा 100 में से 60 जब निकल जाएगा तो बचेगा 40, 40% हमारा क्या है, अनार है। तो 40% कितना प्रतिशत, 40%। प्रतिशत के लिए बटा में 100 लिखते हैं, यहाँ पे अनारों की संख्या लिखेंगे, अनारों की संख्या, तो 40 टोटल फल कितना है, 40 से लिख दिए। इसका 40% ऐसे जब लिखा जाएगा, ऐसे 40%, इसका मतलब हुआ कि 40 और बट्टा में 100, यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। तो 40 का 40%, अब इसको कटाया जाएगा, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 4 2 का 16, 16 अनार है। अनारों की संख्या कितनी है, 16 है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 40% अनार है तो 16 हुआ, फिर आम भी 40% है, सॉरी आम नहीं, सेब 40% है, यहाँ पे दिया गया है सेब 40%, तो 16 ये भी हो गया, 16 16 32 हो गया, और 20% ये है, तो 40 का 20% 8 होता है, तो 8 क्या हो गया, आम हो गया। तो 16 अनार और 16 सेब, 32 और 8 40, टोटल 40 यहाँ पे भी दिया गया है और यहाँ पे भी आया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ अलग सवाल है, यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे फल या आम या कुछ और चीज के बारे में नहीं दिया गया है, केवल 50 का 75% कितना होगा यही बताना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं 50 है, 50 लिखेंगे, का कितना, तो 75%, तो 75 यहाँ दे देंगे। अब यहाँ नीचे प्रतिशत के लिए 100, 50 से 50 दूनी 100, 75/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 37 1/2, इसे हम कितना लिख सकते हैं, 37.5 भी लिख सकते हैं, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 का 75% कितना होगा, 37.5%। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।